हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एम एस ट्यूट्स। गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी ऐप के अंदर या आप अपनी ऐप के लिए रेट मी डायलॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं आप अपनी ऐप को रन करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो एक डायलॉग जो है वो डिस्प्ले करवाएगा कि भाई आप जो है ना, अगर आपको मेरी ऐप अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको रेट करें। ये देखें, वो कह रहा है कि इफ़ यू इन्जॉय प्लेइंग दिस ऐप वुड यू माइंड टेकिंग अ मोमेंट टू रेट इट। अगर मैं यहाँ पे रिमाइंड लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो दिन के बाद अगेन जो है वो यहाँ पे मुझे रेटमी डायलॉग का एक अलर्ट शो करेगा कि भाई इस ऐप को जो है ना रेट करो। अगर मैं यहाँ पे नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे रेट इट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो डायरेक्ट जो है हमें प्ले स्टोर के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो अभी ये प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है तो अभी वो कुछ भी यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके मुझे प्रमोट करें ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ को बनाता रहूँ। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेना है। ये आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और आपको ये इंटरनेट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये रेडमी डायलॉग जो है उसकी ये एक डिपेंडेंसी होती है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल कंट्रोल सी करता हूँ, आपने मेरी डिस्क्रिप्शन से जाके इसको यहाँ पे उसको कॉपी करके आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको ऐड कर लेना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है और आपने बिल्ड और ग्रेडल के अंदर जाके यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है इसके अंदर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने सिंक नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और इसका एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो जी गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है, हमारा जो ग्रेडल है वो फिनिश हो चुका हुआ है। तो मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज और इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह हमने इसके लिए कुछ भी क्रिएट नहीं करना, बहुत ही ईजीएस्ट मैथड है इसको क्रिएट करने का। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपल करना है ऐप रेट टाइप, ठीक है गाइस। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है डॉट विद आपने यहाँ पे टाइप करना है, और उसके अंदर आपने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने डॉट लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं इसकी जो डायरेक्टरी है। और बेसिकली आपको ये तभी आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकेंगे जब आपने ये जो डिपेंडेंसी है ये वाली जो डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की होगी, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे डॉट और आपने यहाँ पे सेट जो है इसके इंस्टॉल डे, यानी कि आपने इसके जो सेट इंस्टॉल डे यहाँ पे सेट करने हैं कि कितने दिनों के बाद आपने जो है ना अपना रेडमी डायलॉग जो है उसको आपने उसको हमारा जो यूज़र है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो एक दिन के बाद जो है यहाँ पे वो मेरी ऐप जो भी यूज़ कर रहा है उसको यहाँ पे वो मुझे रेडमी डायलॉग जो है या हमारे यूज़र को वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सेट जो है यहाँ पे लॉन्च टाइम, यानी कि हमारी ऐप जो है वो कितनी बार लॉन्च की गई हो किसी के मोबाइल के अंदर, तब जाके हमारा जो है ना रेडमी डायलॉग डिस्प्ले हो उसको। तो मैं यहाँ पे लॉन्च टाइम यहाँ पे सेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ऐप है वो कम से कम दो मरतबा जो है ना उसने, यानी कि टू टाइम उसने मेरी ऐप को लॉन्च किया वो अपने मोबाइल के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक करता है तो कितने दिनों के बाद मुझे ये दोबारा उसको रिमाइंड करवाना है कि भाई मेरी ऐप जो है उसको रेट करो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट रिमाइंड मी रिमाइंड इंटरवल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, और उसके लिए मैं आपने यहाँ पे टू सेट कर देना, या आप जो भी आप चाहते हैं आपने वो सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर वो यहाँ पे कहता है कि भाई मुझे रिमाइंड मी लेटर करो तो वो दो दिन के बाद जो है अगेन उसको ये जो डायलॉग है उसको वहाँ पे वो डिस्प्ले करवा दे ताकि वो मेरी ऐप को रेटेड कर सके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा डॉट मोनिटर सेट करूँगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे ऐप रेट टाइप करना है, ऐप रेट डॉट आपने यहाँ पे डॉट लिखना है, और आपने शो डायलॉग इफ मीट कंडीशन, यानी कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो ये ट्रू हो जाती है तो क्या करे हमारे जो डायलॉग है उसको वहाँ पे करवा दे डिस्प्ले। और आपने यहाँ पे अगेन लिखना है ऐप रेट डॉट विद, और आपने इसके अंदर अगेन आपने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट जो है उसको आपने यहाँ पे पास करना है जो कि है हमारा दिस। और आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लियर एग्री शो डायलॉग आपने यहाँ पे सिंपल उसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐप रेट डॉट और उसके बाद आपने यहाँ पे शो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे शुड टाइप करना है ऐप रेट। मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ ऐप रेट डॉट विद, और इसके अंदर आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और यहाँ पे आपने शुड लिखना है, शुड लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा शुड शो रेट डायलॉग। तो आपने इसको कर लेना सिंपल सेलेक्ट। तो आपको मैं यहाँ पे
बस इतना सा काम था बेसिकली रेडमी डायलो का, बाकी जो उसके अंदर जितने भी वो मैसेजेस वगैरह वो खुद से ही उसको सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवाते, तो आपको मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिवाइज़ करवा देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे 4.set इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब ये है कि जब हमारी ऐप जो है वो उसको इंस्टॉल हुए पूरा एक दिन गुजर जाए तब जाके वो हमारा जो रेडमी डायलो है वो हमारे यूज़र को डिस्प्ले करवा दे। और उसके बाद .set लॉन्च टाइम का मतलब ये है, उसका मीन्स ये है कि कम से कम उसने हमारी ऐप को 2 मरतबा अपने मोबाइल के अंदर लॉन्च किया हो। अगर वो रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक करता है जो कि रेडमी डायलो के अंदर आपको डिस्प्ले या उसको डिस्प्ले करवाया जाएगा, तो वो क्या करें, वो 2 दिन गुजरने के बाद उसको दोबारा उसको वो हमारा जो रेडमी डायलॉग है उसको डिस्प्ले करवा दे। तो मैं अपनी ऐप को रन करके देखता हूँ क्या ये सही वर्किंग करता भी है या नहीं करता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे टाइप किया था कि डॉट शो रेड डायलॉग इफ मीट कंडीशन, यानी कि हमारी जितनी भी हमने यहाँ पे डेज वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की हैं अगर ये उसके ऊपर यानी कि ये ट्रू हो जाती हैं तो हमारा जो रेडमी डायलॉग है उसको डिस्प्ले करवा दे, अदरवाइज वो नहीं करवाएगा। तो मैं अब वेट करता हूँ इसको इंस्टॉल होने का। तो जी गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अब ये देखिए ये फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे लॉन्च हो गई है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेकंड टाइम जो है यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, हमारी जो एक कंडीशन है यहाँ पे वो ट्रू हो गई है। देखिए यहाँ पे उसने बल्कि उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा ही दिया कि भाई आपका जो रेडमी डायलॉग है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया उसने। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ दिन के बाद वो या जो है ना गेन यहाँ पे डिस्प्ले करवा गया। ये देखिए अगर मैं रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो इसको क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाके मैं सिंपल यहाँ पे इसकी जो टाइम और डेट है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है मेरा एमुलेटर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद जो इसका हमारा जो जो इस एमुलेटर की डेट है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ, यहाँ पे सेट टाइम और यहाँ पे हम सेट डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे हम सेट डेट और इसको मैं नेक्स्ट मंथ के ऊपर ले जाता हूँ, ओके कर देता हूँ मैं। अब ओके करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये हो गया सेट। तो अब मैं अपनी ऐप को ओपन करता हूँ, ये देखें अगेन हम क्लोज करेंगे और अगेन हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। और अब ये जो है ना हमें ये रेडमी डायलॉग का जो वो रेडमी डायलॉग का जो अलर्ट बॉक्स है उसको वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो जी गाइस आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे हमें यहाँ पे उसने अगेन हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे रेटेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट जो है हमारी प्ले स्टोर के ऊपर जहाँ भी हमारी ऐप पड़ी होगी वहाँ पे मुझे ले जाएगा, लेकिन अभी हमारी जो ऐप है ये वाली ये प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है तो आपको यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।